हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी पास्ता, और ये आटे का पास्ता है, मैदे का नहीं है। हमने पास्ता बॉईल करने के लिए रखा है, और हमने पानी में 1 चम्मच ऑयल और 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। ये मेरा पास्ता उबल गया, इसको हम छन्नी में छान लेते हैं और ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, ओवर कुक ना हो जाए। और ये मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और 1.5 चम्मच बटर डाला है। हमने ये ग्रीन चिली डाला है और 1 अनियन और 2 चम्मच कैरेट, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च, और 2 से 3 चम्मच मैंने स्वीट कॉर्न डाला है। सारा मैंने डाल दिया, मिक्स करेंगे। और ये 2 टमाटर है, इसको मैंने डाल दिया है। और आप अपनी पसंद से जो सब्जी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। मेरी जो पसंद थी मैंने वो डाला है, आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। फिर चलाएंगे और घर में जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। मैंने 2 मिनट के लिए ढका था, फिर चलाएंगे। फिर ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और ये 1 पैकेट पास्ता मसाला है। अब बीच बीच में ऐसे ही 2-2 मिनट के लिए मैंने ढका था, फिर और चलाया था। फिर 2 चम्मच मेयोनीज मैंने डाला है और मिक्स करेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ये थोड़ा चीज ग्रेट करके डाल देते हैं, बच्चों का फेवरेट है ये तो, ऑलरेडी सबको फेवरेट है लेकिन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इसको खाना। और इसको मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फिर हम इसमें पास्ता डालते हैं, मैंने पास्ता डाल दिया। और इसको अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे ही मिलाते रहेंगे अच्छे से। देखिए मेरा मिक्स हो गया। और 1 पैकेट इसमें ओरिगेनो डालेंगे और 1 पैकेट रेड चिली फ्लेक्स, तो मैंने 1-1 पैकेट डाल दिया। और फिर मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा पास्ता बना है, चीजी पास्ता। और मैंने फिर 1 चम्मच बटर डाला है ताकि थोड़ा स्वाद और अच्छा आए। और मिक्स करेंगे बढ़िया से, देखिए कितना कलर अच्छा है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं बाउल में। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा पास्ता बना है, एकदम कलरफुल। और सारे वेजीज इसमें डाले हैं तो ये हेल्दी भी है। देखिए मेरा पास्ता रेडी हो गया, आप भी बनाइए, खाइए, कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।